सूचना के आधार के तहत भोपाल नगर निगम की जानकारी में एक बड़ा खुलासा हुआ है। नगर निगम अपने कर्मचारियों के साथ ही धोखा कर रहा है। नगर निगम कर्मचारियों की भविष्य निधि में भारी सेंध लगा रहा है, जो कहीं ना कहीं अपराध की श्रेणी में आता है। कर्मचारियों के भविष्य निधि को नगर निगम उपयोग कर कर्मचारियों का भविष्य खराब करने में लगा हुआ है। वहीं इस मामले को नगर निगम अध्यक्ष किशन सूर्यवंशी ने संज्ञान में लिया है। किसी भी संस्था पर कार्य करने वाला व्यक्ति अपनी सैलरी में से कुछ पैसा पीएफ के लिए देता है, ताकि उसे भविष्य निधि का फायदा मिल सके। भविष्य निधि की गाइडलाइन के अनुसार कर्मचारी जितना प्रतिशत पैसा जमा करते हैं, उतना ही प्रतिशत कर्मचारियों की संस्था को भी भविष्य निधि में कर्मचारियों के नाम से जमा करना होता है। लेकिन भोपाल नगर निगम अपने ही कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने पर आतुर है, क्योंकि भोपाल नगर निगम ने कोविड-19 के बाद करीब 2019 से कर्मचारियों से भविष्य निधि का पैसा तो लिया, लेकिन उसे भविष्य निधि में जमा नहीं किया। नगर निगम को भी जो पैसा कर्मचारियों के लिए जमा करना होता है, वह भी नगर निगम ने जमा नहीं किया। कर्मचारियों से तो लगातार पैसा लिया जा रहा है, लेकिन नगर निगम उसे अपने ऊपर खर्च कर रहा है। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी भी सामने आई है, जिसके माध्यम से पता चला है कि नगर निगम अपने कर्मचारियों के साथ धोखा कर रहा है। निगम ना तो ईपीएफ, जीपीएस और ना ही एनपीएस में पैसा जमा कर रहा है, जिसके चलते एलआईसी की तरफ से कर्मचारियों को मिलने वाला बोनस भी नहीं मिल पा रहा। जी, नगर निगम के जितने भी कर्मचारी हैं जिनका ईपीएफ और जीपीएफ और एनपीएस कटता है, वो भविष्य निधि कार्यालय में जमा होता है। 12% कटता है और 13% नगर निगम मिलाकर उनको जमा करना पड़ेगा, जिससे उनको ब्याज की राशि अधिक से अधिक मिल सके, 25%। तो ये ऐसा नहीं किया गया है। जानकारी में आई है कि कोरोना काल से लेके आज तक उनका भविष्य निधि जमा नहीं की गई, तो इससे उनके आने वाले भविष्य में जब वो रिटायर्ड होंगे तो उनको काफ़ी दिक्कत होगी, और उनको ये 3-4 साल का जो भी पैसा जमा नहीं किया गया है उसका ब्याज नहीं मिलेगा। और LIC की राशि इन लोग से तो सारी काटी जा रहे हैं, सारे कटोतरे सारे किए जा रहे हैं अधिकारी कर्मचारियों से, लेकिन ऑफिस में जमा नहीं करने की वजह से उनको समय समय पर जो बोनस मिलता है वो नहीं मिल पा रहा। और ये एक बहुत बड़ा अपराध है, संज्ञेय अपराध है, 406 और 409 की श्रेणी में आता है। ये ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है, जो कि नगर निगम को नहीं करना चाहिए। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ हो रहे इस बड़े धोखे के मामले को भोपाल नगर निगम अध्यक्ष ने संज्ञान में लिया है। किशन सूर्यवंशी का कहना है कि यह मामला मेरे सामने आया है, इस पर मैं अधिकारियों के साथ पूरी चर्चा करूंगा, साथ ही कर्मचारियों का पैसा उसी तारीख से जमा हो जब से नहीं हो रहा है, इस पर काम किया जाएगा। आपके द्वारा विषय मेरे संज्ञान में लाया है कि पीएफ की राशि कर्मचारियों के खाते में जमा नहीं की जा रही है। संबंधित जिम्मेदार अधिकारियों से बातचीत करके जहाँ से राशि जमा नहीं हुई, उसी वर्ष से संबंधित सभी कर्मचारियों की पीएफ की राशि उनके खातों में जमा करा दी जाएगी, बहुत जल्दी जमा करा दी जाएगी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।